कोटवाल सचिव जीआरएस सभी लोग खड़े हुए हैं इंतजार में कि इन लोगों की जांच हो जाए। सुबह 6 बजे के आके खड़े हुए हैं लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। इंदौर से आए हुए व्यक्ति सुबह 6 बजे से आए हैं और ग्राम पंचायत के जो कोटवार साहब हैं उनने मेरे को सुबह 4:30 बजे सूचना दी। इंदौर से व्यक्ति यहाँ से, मैंने कहा भैया गांव मत जाने दो, इनको हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल में चेकअप करवा कर फिर इनको गांव घर भेजेंगे। अभी तक हम खड़े हैं, अभी तक कोई जांच नहीं हुई नहीं हुई। तो आपने कोई फ़ोन करा? मैंने आपने कोटवार साहब को फ़ोन करा, सचिव साहब को फ़ोन करा, साहब सचिव को करा फ़ोन, सब लोग फुल टीम इकट्ठी हुए 4 बजे 5 बजे। अच्छा, तो कोई जाँच करने अधिकारी नहीं आए हुए? तब नहीं आए। पटवारी साहब आप क्या कहेंगे ऐसे प्रशासन के लिए? प्रशासन के संबंध में यही कहूँगा कि व्यवस्था थोड़ा दुरुस्त किया जाए। हम यहाँ 5 बजे से परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की, शायद अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा। अच्छा अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं तो उनको यहाँ पर भेज दिया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ पे अस्पताल होती है नहीं, यहाँ पर तो कोल्ड चेन है जबकि वैक्सीन रखी रहती है। यहाँ पर हमारा क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, विक्रम गांधी काफ़ी दूरी है, कोल्ड चेन है यहाँ से वैक्सीन के लिए। और एक इस समय ऑफिशियल वर्क बहुत सारा होता है, कागजी कार्रवाई के लिए ऑफिस है। सुबह अगर 6 बजे के लिए आते हैं तो अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में अस्पताल है, वहाँ 24 घंटे सारी सेवा अस्पताल में स्क्रीनिंग हो जाएगी। सर क्या है कि जैसे कुछ लोग सर नगर के ग्रामीण के अगर नगर में आते हैं तो सर क्या दायित्व नहीं बनता कि ग्रामीण? इस तरीके की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, मेरा तो कहना ये स्पष्ट बात है कि इस तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए।